हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और जो उनकी गुड आफ्टरनून हो रही है, जो दोपहर में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, रात उनकी गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और अभी बस मैं उठी हूँ, कोशिश कर रही हूँ अ डे इन माय लाइफ व्लॉग बनाने की। और अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी उठी हूँ तो लाइट ऑटोमेटिकली कैसे जल जाएगी, ओरिजिनल होना चाहिए ना। मैं तो वो सिंड्रेला टाइप का व्लॉग कर नहीं रही हूँ कि ये रहा मैं बेड से उठ रही हूँ, चादर अपने आप उठ रही है, वहां से कोई शूट कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने लाइट जला ली है और आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी इसलिए लग रही है क्योंकि सपोर्ट के मेरा गला ऐसे ही रहता है, मेरी नाक भी ब्लॉक हो जाती है, चाहे पंखा भी चलाऊँ वैसे अक्टूबर हो गई है, ठंड लगती रहती है। तो आज एक यूट्यूब इवेंट पे भी जाना है और थोड़ा फ्रेश होना है, अभी मुझे पट्टी आ गई है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और मैं अपने ये घिसे हुए ब्रश से ब्रश करूँगी, बहुत टाइम हो गया, मुझे नया खरीद लेना चाहिए, बेचारा सूख गया पूरा। और पीछे अगर गाने की आवाज़ आ रही होगी तो वो मेरी मम्मी सुबह में गाने सुनती है, गाने चलाती है पूजा करते टाइम, माता रानी वगैरह के। तो अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी और शावर लूँगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और सुबह में मैं यूजुअली ओट्स ही खाती हूँ, दूध वाले ओट्स खाती हूँ, उसमें आप नट्स या फिर कुछ भी डाल सकते हो, नट्स या बनाना बेरीज ये सब डाल के। ये ओट्स बन रहे हैं यहाँ पे, मैं एक बड़ी कटोरी में ही ओट्स बना लेती हूँ, नहीं तो फालतू में बर्तन वेस्ट होता है, मैं इसी में खा लेती हूँ। और इसके बाद मैं रोटी खाऊँगी, घी की सब्ज़ी बनी है, ये घिया और चने की सब्ज़ी बनी है। तो ओट्स खाने के 15-20 मिनट के बाद मैं रोटी खाऊंगी, तीन रोटी खाती हूँ मैं इसके साथ। तो मैंने ओट्स में बनाना और बेरीज मिलाई है, ये मिक्स्ड बेरीज है, इसमें अलग अलग बेरीज होती है, तो जो मेरे हाथ में आती है मैं मिला देती हूँ इसमें। 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं कुछ काम करने लगी थी और मेरा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे रोटियाँ भी खानी है और थोड़ी देर के बाद रेडी होना भी स्टार्ट होना पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रही थी गेट रेडी विद मी शूट कर लूँ क्योंकि शाम में तो जाना ही है इवेंट पे। वैसे यूट्यूब का ना वर्कशॉप भी था 4-5 घंटे का, पर इतनी देर कौन बैठता है, वैसे ही बाहर इतनी धूप हो रही है, मन नहीं करता, फिर शाम में ठंड हो जाती है यहाँ पे, तो मन नहीं था मेरा 4 घंटे बैठने का। तो सीधा जो शाम में इवेंट है मैं वहाँ पे जाऊँगी और 6 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना है, तो 1 घंटे पहले ही निकल जाऊँगी, देखते हैं मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी मैं ये कर रही थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ एडिट करना था, मैंने गलत लिख दिया था तो वो एडिट वगैरह कर रही थी। और मैं ज़्यादातर एंड स्क्रीन और ये कार्ड्स डालना भूल जाती हूँ तो वो भी चेक कर रही थी। और उसके बाद आप लोग पूछते रहते हो कि मैं एडिट कैसे करती हूँ वीडियोज़, तो वो भी बता दूँ, मैं आई मूवीज़ पर एडिट करती हूँ। तो ये रहा आई मूवीज़, यहाँ पे है मेरी सारी वीडियोज़, ये वाली है जो कल मैंने अपलोड करी थी, कल मतलब जो देखी होगी आपने। तो ये कुछ ऐसे होती है यहाँ पर एडिट, बहुत इजी है ये, सबसे इजी है। वैसे तो मेरे पास फाइनल कट प्रो भी है पर ये बहुत ज़्यादा इजी है और फाइनल कट मुझे यूज़ करना आता नहीं है। तो अभी अराउंड 2:15 हो रहे हैं और मुझे रेडी होना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है मेकअप लुक की। तो मैंने यहाँ पे पीछे सेट लगा रखा है, ये मेरे भाई का रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है ये। तो ये रहा, यहाँ पे मेरा कैमरा है, ट्राइपॉड है और ये रिंग लाइट है, इस पे मैंने ये ऑरेंज वाला लगा रखा है, इससे थोड़ा सा ना वार्म हो जाता है क्योंकि नहीं तो अगर वाइट वाला रहता है या डायरेक्ट लाइट आती है तो बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है फेस पे बहुत लाइट आ रही है, एक्स्ट्रा लाइट लगने लगती है। और इधर मैंने स्टूल पर थोड़ा सा सामान रखा है, यहाँ पे मेकअप का थोड़ा सा सामान है जो मुझे पहले यूज़ करना है, यहाँ पर चेयर है और यहाँ पर थोड़ा सा और सामान है, ये जो मैं बाद में यूज़ करूँगी तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद मैं उधर शिफ्ट कर दूँगी। मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ और मैंने मम्मी को बोला है वीडियो तब तक रिकॉर्ड करने के लिए, मम्मी ने कैमरा पकड़ रखा है। तो ये वाली ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, अभी तो थोड़ी ऐसी लग रही होगी, पहनने के बाद ही अच्छी लगेगी। मैं अपनी मम्मी से प्रेस करवा रही हूँ, मैंने ढंग से इस पर प्रेस करा नहीं था, पीछे की साइड पूरा रह गया था और मुझे प्रेस करना आता भी नहीं है सही से। तो जब मैंने इसे पहन लिया था, मैं इसे पहन चुकी थी और दोबारा से मुझे ये चेंज करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेस लग रहा था। आई एम गेटिंग रेडी और मैं यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये रहा कैमरा, मैं कैमरा का नाम बताना भूल गई थी, दिस इज़ कैनन 760D और ठीक ही ठाक है, मुझे इतना तो कुछ पसंद नहीं है पर काम चलाओ चल जाता है ये। और अभी मैंने बेस लगा लिया है, अभी पूरा मेकअप करना बाकी है, सिर्फ फाउंडेशन लगाया अभी तक मैंने और बाकी का मेकअप अब मैं कर लेती हूँ। तो आई एम फाइनली रेडी, बस मुझे अपने बाल ठीक करने और ज्वेलरी पहननी है और थोड़े से आड़े टेढ़े मुंह करते हुए शक्लें बनाते हुए एक वीडियो क्लिप लेनी है, कुछ पिक्चर्स लेनी है। और मेकअप काफ़ी अच्छे से हो गया है, इसका लुक मैं अपलोड करूंगी बाद में, उसमें आप देखना क्योंकि इसमें ना कलर्स थोड़े से डल लग रहे हैं, ड्रेस का भी कलर बहुत ही डल लग रहा है, मतलब इतने अच्छे से आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा
डल लग रहा है, पता नहीं. और लिपस्टिक वगैरह भी, मेकअप भी इतने अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है. तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी इस लुक की, उसमें आप देखना. तो अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपना कैमरा लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं छोटा बैग लेकर जा रही हूँ तो उसमें कैमरा आएगा नहीं. तो आगे की रिकॉर्डिंग अब मैं फ़ोन से करूँगी. तो अभी 5:15 हो रहे हैं और मैं अभी निकली हूँ. देखते हैं कितनी देर में मैं पहुँचती हूँ. इस पर तो शो हो रहा था कि मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगी. सो लेट्स. अब जस्ट रीच द वेन्यू. ये यहाँ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में है, गुड़गांव में ये. और अंदर जाके देखती हूँ क्या सीन है. टाइम से यहाँ पे आ तो गई, पर अंदर यहाँ पर अभी बहुत ही कम लोग हैं. मेरे ख्याल से थोड़ी देर में आना स्टार्ट होंगे. और जगह भी मुझे बहुत छोटी लग रही है. पता नहीं, शायद ज़्यादा लोग आएंगे नहीं या लिमिटेड लोगों को बुलाए, क्योंकि जगह बहुत छोटी है. मैं ना दूसरी साइड आके बैठ गई हूँ. यहाँ पे बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फैल के बैठी हुई हूँ. यहाँ पे तो थोड़ा स्पेशियस है. वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ना, तो थोड़ा कंजस्टेड मुझे लग रहा था. यहीं पर आके अब मैं आराम से खा पी रही हूँ. तो अंदर बहुत भीड़ हो गई है, बहुत सारे लोग आ गए हैं. ऐसा लग रहा है शादी में आई हुई हूँ, क्योंकि अरेंजमेंट वगैरह सब ऐसे ही लग रहा है. और बस म्यूजिक नहीं है शादी जैसा, बस म्यूजिक डिफरेंट है. नहीं तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है शादी में आई हुई. इवेंट से मैं घर आ गई थी अराउंड 10:30 के, और अभी 11:15 हो रहे हैं. आई हैव टू चेंज और मुझे मेकअप भी रिमूव करना है. और मैं सोच रही हूँ उस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ. फर्स्ट टाइम करा था तो पता नहीं कैसा हुआ होगा. अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग. आई नीड टू नो बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. And I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.